जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर राजस्थान के बारे में। राजस्थान सीटी की जो परीक्षा होने वाली है वहां पर आपके जीके जीएस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है जिसका नाम है स्टैटिक जीके। ना सिर्फ राजस्थान के किसी भी एग्जाम की बात करते हैं, अगर भारत के अंदर भी आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यहां पर स्टैटिक जीके से बहुत ही सारे सवाल बनते हैं। यहां तक कि जो करंट अफेयर भी आता है, हमारे आसपास जो भी घटनाक्रम होता है वहां से भी जो सवाल बनते हैं वो भी कहीं ना कहीं स्टैटिक जीके से रिलेट होते हैं, या तो जो करंट अफेयर में चर्चा के विषय हैं वहां पर सवाल स्टैटिक जीके से पूछ लिया जाता है। मतलब करंट अफेयर और स्टैटिक भी साथ साथ गाड़ी के चलने वाले दो पहिए हो जाते हैं। तो आज हम लोग स्टैटिक जीके का उसी क्रम की शुरुआत करने वाले हैं। क्या आप सभी तैयार हैं? राधे राधे, जय हिंद। एक बच्चे ने लिखा है चरण स्पर्श गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय माता दी। सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। जल्दी से सभी बच्चे नोट्स लेंगे, है ना। सोनू, श्याम, निशा, तेजमणि, अभिषेक, कविता, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, मेरा नाम है सीएम तिवारी। ये आप राजस्थान का नक्शा भी देख रहे हो यहां पर, और कुछ तस्वीरें मैं अगर आपको दिखाऊं, आप लोग जरूर जानते होंगे, इनको पहचानते होंगे। इन तस्वीरों के बारे में पहले एक बार हम लोग बात करते हैं, है ना, थोड़ी सी ही बात करेंगे। ये आप देख रहे हो, ये कौन है, कौन बताएगा इनका नाम क्या हो जाता है? अब तो उम्मीद है कि राजस्थान का बच्चा बच्चा इनका नाम जानता होगा, इन्हें पहचानता होगा। इसके अलावा ये ऊंट भाई साहब, है ना, पानी को स्टोर करके रखते हैं, पता नहीं कहां की यात्रा पर जा रहे हैं। ये आपको जंतर मंतर देखने के लिए मिल रहा है, ये आपको हवा महल देखने के लिए मिल रहा है। ये कौन है? भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा जी हैं कौन? आप बोलेंगे वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। इसके पहले कौन थे मुख्यमंत्री? श्री अशोक गहलोत। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको जानकारी एक बार फिर से बता दूं कि इस क्लास में हम लोग स्टैटिक जीके देखने वाले हैं, स्टैटिक जीके देखने वाले हैं, वो भी राष्ट्रीय स्तर का देखने वाले हैं। राजस्थान का जो भी स्टैटिक जीके वाला पार्ट है वो राजस्थान जीके के साथ आप कवर हो जाएगा। जो भी सर आपको राजस्थान जीके पढ़ा रहे हैं तो साथ में आपका राजस्थान का जीके जीएस पूरा कवर हो जाएगा। यहां पर मैं राष्ट्रीय स्तर के स्टैटिक जीके की बात करने वाला हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सेंसस ऑफ इंडिया 2011, भारत की जनगणना 2011। आज आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है तो थोड़ी सी ही जानकारी की बात करेंगे। आज मैं बहुत सारी बातें नहीं बताऊंगा, है ना, नहीं तो पहले ही दिन ज्यादा चीजें हो गई तो पता चला सर आज तो बहुत थक गए हैं, है ना। तो आज हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें करते चलेंगे, है ना। राजस्थान का स्टैटिक जीके आप नहीं पढ़ाओगे, मैक्सिमम चीजें राजस्थान के स्टैटिक जीके की जो भी हैं वो राजस्थान जीके में ही कवर हो जाएंगी। इसके अलावा जो राष्ट्रीय जीके हम लोग देखेंगे, स्टैटिक जीके, उसमें ही आपका कई सारा पार्ट राजस्थान का भी आएगा, तो वो सारी चीजें भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ये है भारत। भारत में राजस्थान कहां है? आप बोलेंगे ये रहा राजस्थान, ये रहा राजस्थान, ठीक है। राजस्थान की अगर बात करते हैं तो आपको पता होगा क्षेत्रफल के आधार पर कौन से क्रमांक का राज्य। आप बोलेंगे राजस्थान की अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर, यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है, है ना, फर्स्ट नंबर का राज्य हो जाता है, फर्स्ट रैंक इसका है। अगर हम जनसंख्या के मामले पर बात करते हैं तब किस क्रमांक का हो जाएगा? आप बोलेंगे जनसंख्या के मामले पर यह है एट्थ नंबर का हो जाएगा, आठवें क्रमांक का हो जाएगा, ठीक है। सर जी आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। अच्छा, मेरा नाम शिवम तिवारी, आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। मैं आपका साथी रहूंगा स्टैटिक जीके के पार्ट के लिए। राष्ट्रीय स्तर का जो भी स्टैटिक जीके वाला पार्ट है वो हम लोग साथ में करेंगे, ठीक है। चलिए,
लेकिन अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए क्या सर ये जो राजस्थान है हमेशा से पहले नंबर पर था क्षेत्रफल के आधार पर, आप बोलेंगे जी नहीं। अगर हम बात करते हैं सन 2000 के पहले, सन 2000 वर्ष की अगर हम बात करते हैं, तो इसके पहले मध्य प्रदेश जो राज्य हुआ करता था वो फर्स्ट रैंक पर हुआ करता था, लेकिन 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश के दो भाग हो गए, एक भाग मध्य प्रदेश बन गया और एक भाग छत्तीसगढ़ बन गया, और इस प्रकार से मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा स्थान हो गया। ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए सवाल कैसा आता है आपकी परीक्षा पर। भारत में प्रत्येक कितने वर्ष में नियमित रूप से जनगणना की जाती है, सेंसस इज कंडक्टेड रेगुलरली इन इंडिया एवरी हाउ मेनी इयर्स, 5 साल 10 साल 12 या 15, यह भी सीजीएल पर, एमटीएस पर और भी कई सारी परीक्षाओं पर आया हुआ सवाल है। यहां पर जो ही मुझे ईयर मिले हैं वही मैं आपके सामने लेकर आया हूं। रीना जी ने लिखा है सर क्या इससे एसएससी क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल, एसएससी आप कोई भी परीक्षाओं पर आ रहा है अगर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय का स्टैटिक जीके, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इतने साल सर ये तो हर 10 साल में आयोजित होता है, ये तो हर 10 साल में आयोजित होता है। ठीक है, चलिए सर क्या आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराओगे, थ्योरी नहीं कराओगे? ऐसा भी तो हो सकता है कि सर सेम टू सेम लैंग्वेज में सवाल ना पूछा जाए, लैंग्वेज बदल दी जाए, तब हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए स्टैटिक जीके पढ़ाना जरूरी है, है ना एकता, अभिषेक, केजीएस यूजर, प्रकाश, श्याम, सीमा, निशा, है ना? तो आइए हम लोग स्टैटिक जीके में थोड़ा थ्योरी पोर्शन पर जाते हैं, ताकि अगर एग्जामिनर आपको घुमाने फिराने की कोशिश करे तो आप घूमिए फिरिए नहीं, है ना? ये देखिए ये कौन भाई साहब हैं? आपने एक मूवी जरूर देखी होगी मालावाल वीकली नाम की, मालावाल वीकली पर भी एक व्यक्ति रहते हैं और उनको कार्य दिया जाता है कि आपको घर घर जाना है, लोगों से जनगणना करनी है, है ना? जनगणना कार्य उनको दिया जाता है। 1947 से पहले भी राजस्थान इतना ही बड़ा था क्या? देखिए हमें पढ़ना है 1956 के बाद का, 1956, क्योंकि 1956 में बना था फजल अली आयोग और फजल अली आयोग की अनुशंसा के आधार पर बहुत सारे राज्यों का गठन होता है ना? तो उसके बाद के आधार पर हमें पढ़ना है। और अभी तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 2011 की जनगणना के आधार पर देख रहे हैं, तो अभी तो हमें 2011 वाले भारत की बात करनी है ना? मतलब अभी वर्तमान में अगर मैं बात करता हूं तो कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं भारत की जनगणना 2011, क्या इस समय भी 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश थे? जी नहीं, इस समय आप 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश वाला भारत पढ़ेंगे, है ना? वो भी 29 राज्य भी नहीं, तब 28 राज्य ही हुआ करते थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश ही हुआ करते थे। ये जो 29वां राज्य था इसका नाम क्या है? तेलंगाना। ये 2 जून 2014 को बनता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने देखा कि एक माइनस हो जाता है जम्मू कश्मीर, यूटी बन जाता है, तो यूटी की संख्या 9 हो जाती है और राज्यों की संख्या 28 हो जाती है। फिर यूटी में आपने देखा दादर नगर हवेली दमन द्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, तो वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। लेकिन अभी हमें 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से सारी बातें पढ़नी है। सर इसके नोट्स कैसे बनाएंगे? अभी आप जितना मेरे साथ लिख सकते हो उतना आप लिखते चलिए, बाकी क्लास के तुरंत बाद, जैसे आप ये अभी फोन देख रहे हो, फोन में यहां पर वीडियो चल रहा है इतने में और यहां पर टाइटल आ रहा है, यहां पर पीडीएफ का आइकन बनेगा, तो ये पीडीएफ के आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने पीडीएफ प्रकट हो जाएगी। जैसे पुराने जमाने की मूवीज अगर आपने देखी हो तो वहां पर बोला जाता था ना, द्वारपाल प्रकट हो खट खट, उसी प्रकार से यहां पर आपको बस एक क्लिक करना है, पीडीएफ
प्रकट हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं किसकी बात कर रहा था, ये जो व्यक्ति हैं, आपको याद होगा मालामाल वीकली का वो दृश्य, जब एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है जनगणना करने के कार्य की, फिर क्या होता है, वो पहले घर जाता है, पहली महिला से पूछता है बता दीजिए क्या आप शादीशुदा हैं, वो बोलती है नहीं, फिर वो पूछते हैं कि बताइए कितने बच्चे हैं, तब फिर पड़ता है उसको एक जोरदार तमाचा, जब शादी नहीं हुई है तब फिर बच्चे की बात, बड़े ही अभद्र व्यक्ति हो यार तुम। ठीक है, फिर उसको दोबारा से ट्रेनिंग दी जाती है, दोबारा से वो दूसरे घर पर जाता है, अब दोबारा से वो सवाल पूछता है कि बता दीजिए आप कितने बच्चे हैं, तो बोलती हैं चार। ठीक है, अब दोबारा से वो सवाल पूछता है कि बताइए आपकी शादी हुई है, फिर उसको एक जोरदार तमाचा पड़ता है कि अगर किसी के पहले से पुत्र या पुत्री हैं, तब फिर उससे दोबारा ये सवाल पूछना नहीं है कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। तो ये दृश्य मैं आपको याद इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपको रिलेट कर पाए कि सर घर घर जाया जाता है, पूछा जाता है कि बताइए आपके घर में कितने सदस्य हैं, कौन रहता है, कहां रहता है, पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, ये सारी बातें कुल मिलाकर ये करने का कार्य कर रहे हैं। बोलो हाँ याद आई, जबरदस्त। अब देखिए ये तस्वीर पर मैं कुछ बातें बताता हूं आपको, है ना, हम लोग तस्वीरों के माध्यम से भी चीजें देखते हैं, ताकि मान लीजिए आपके सामने किसी ने बोला किरण, तो आपके दिमाग पर तस्वीर आएगी किसकी, शाहरुख खान की। आपके सामने अगर किसी ने बोला खामोश, तो आपके सामने तस्वीर आएगी, दिमाग पर तस्वीर आएगी किसकी, आप बोलेंगे शत्रुघ्न सिन्हा। आपके सामने अगर किसी ने बोला कौन बनेगा करोड़पति, तो आपके दिमाग पर तस्वीर बनेगी अमिताभ बच्चन साहब की। उसी प्रकार से अगर मैं आपके सामने नाम लूंगा सी चंद्रमौली साहब का, तो इनकी तस्वीर आनी चाहिए आपके दिमाग पर। अगर मैं नाम लूंगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी का, तो आप इनकी तस्वीर आपके दिमाग पर आनी चाहिए। ठीक है, बढ़िया। चलिए तो यहां पर इनकी तस्वीर है क्यों सर, समझ में नहीं आया। देखिए बात हम कर रहे हैं 2011 की जनगणना की, जब कोई भी कार्य कराने की बात की जाती है तो किसी एक को कैप्टन नियुक्त कर दिया जाता है। जैसे आप अभी देख रहे हो आईपीएल की बात चल रही है, आईपीएल में मुंबई इंडियंस बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, तो मुंबई इंडियंस के पहले कैप्टन कौन हुआ करते थे, रोहित शर्मा, वर्तमान में हार्दिक पांड्या। उसी प्रकार से जैसे अभी चुनाव होने वाले हैं, तो लोकसभा के चुनाव के पूरे कप्तान मतलब पूरा जिम्मेदार कौन होंगे, जिम्मेदारी किसके ऊपर है, जो कि वर्तमान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, राजीव कुमार साहब। उसी तरह है, यहां पर राष्ट्रपति उस समय थी द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जी ने सी चंद्रमौली साहब को पूरी जनगणना कराने का आयुक्त अर्थात कैप्टन नियुक्त किया। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है सर क्या आप राजस्थान से हैं, जी नहीं मैं राजस्थान से नहीं हूं, लेकिन राजस्थान में मैं रहकर आया हूं, जयपुर पर काफी समय मेरा निवास रहा है ना, जयपुर पर भी, जोधपुर पर भी कुछ समय के लिए मैं रहा हूं। चलिए बड़ा ही खूबसूरत है राजस्थान। आइए तो ये है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, और इन्होंने सी चंद्रमौली, राजामौली साहब की बात नहीं कर रहा हूं सर, राजामौली साहब के बारे में तो हमने सुना है, वही राजामौली साहब जिन्होंने बाहुबली आरआरआर मूवी बनाई थी, क्या ये उन्हीं के भाई हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन बस इनका नाम आपको याद रखना है। अब देखिए क्या क्या बातें यहां पर इस पेज पर हमें याद रखनी है, हमारी जनगणना किस क्रमांक की जनगणना थी, किस नंबर की, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि राजस्थान जनसंख्या के आधार पर पहला राज्य, और क्षेत्रफल क्या, मैंने आपको यह बताया कि राजस्थान जनसंख्या के आधार पर आठवां एट नंबर का राज्य, और क्षेत्रफल के आधार पर फर्स्ट नंबर का राज्य। उसी प्रकार से अगर मैं बोलूं कि जो ये जनगणना थी 2011 वाली, किस क्रमांक की जनगणना थी, किस नंबर की जनगणना थी, उत्तर क्या होगा, सर यहां पर तो दो प्रकार से आधार हो जाते हैं, है ना, जैसे यहां पर हम लोगों ने आधार देखा क्षेत्रफल के आधार पर पहला, जनसंख्या के आधार पर आठवां। उसी प्रकार से अगर शुरुआत से हम बात करते हैं तो जनसंख्या पंद्रहवां 15th नंबर की हो जाती है, लेकिन अगर हम आजादी के बाद से बात करते हैं किस क्रमांक की जनगणना, आप बोलेंगे हम सात सात हैं,
साथ साथ है नहीं, हम साथ साथ है, है ना। साथ मतलब साथ सर, कई जगह कई चीजों का नंबर हो जाता है साथ। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आपने सुना होगा, उस महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी के पीछे क्या लिखा रहता है, धोनी नंबर 7। हमारे पूरी प्यारी पृथ्वी पर कॉन्टिनेंट महाद्वीप कितने, 7। सप्तऋषि में तारे कितने, 7। इंद्रधनुष में रंग कितने, 7। एक सप्ताह में दिन कितने, 7, है ना। 7 कितना अच्छा नंबर है, और वही नंबर यहां पर आपको दिखा देखने के लिए मिल रहा है। जैसे आपने सुना होगा माउंटेन डियो, डर के आगे जीत है, ठंडा मतलब कोका कोला, 2 मिनट में बनने वाली मैगी, 2 मिनट में बने ना बने पता नहीं, लेकिन यहां पर जिस प्रकार से मोटो किसी भी चीज का, टैग लाइन जिस प्रकार से किसी भी चीज की, स्लोगन जिस प्रकार से किसी भी चीज का, उसी प्रकार से 2011 वाली जनगणना का भी एक स्लोगन, एक मोटो दिया गया, वो क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसेस आवर फ्यूचर। आवर सेंसेस मतलब ये 3 है, आवर फ्यूचर मतलब ये 6 है, अल्फाबेट नंबर 3, अल्फाबेट नंबर 6, OCOF। ऐसा नहीं करना है सर, आवर फ्यूचर आवर सेंसस भी तो कर सकते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, अभी मैं सवालों के माध्यम से आपको बताऊंगा, ठीक है। और यकीन मानिएगा, आप एक बार ध्यान से बढ़िया तरीके से सब्जेक्ट पढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि सर सिर्फ हम राजस्थान के एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, जी नहीं, सिर्फ हम एसएससी के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, जी नहीं, आप अभी सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। स्टैटिक मतलब स्टैटिक, एक बार आपने शानदार रूप से पूरा सिलेबस पढ़ा, फिर आप चाहे एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे राजस्थान पीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिहार पीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एएफ कैट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी भारत के अंदर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एक बार आपको सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है, फिर आप कोई भी एग्जाम दीजिए। यकीन ना आए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर एग्जाम का आप उठाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, चंद्रमौली साहब स्वतंत्र भारत की 7वीं और ओवरऑल 15वीं जनगणना, ठीक है। नेक्स्ट, स्टैटिक हर साल चेंज होता है क्या, अरे यही तो खास बात है स्टैटिक जीके की, स्टैटिक मतलब ही है ठहरा हुआ, तो ठहरी हुई चीजों का सामान्य ज्ञान हम यहां पर प्राप्त कर रहे हैं, है ना। स्टैटिक जीके जो मैं यहां पर पढ़ाऊंगा, आपको हर चीज की इंपॉर्टेंट बातें बता दूंगा, चाहे वो पॉलिटी की इंपॉर्टेंट बातें हों, चाहे हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट बातें हों, चाहे आप पर्यावरण की इंपॉर्टेंट बातें कर लीजिए, इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंट बातें, चाहे इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंट बातें, है ना, हर एक सब्जेक्ट का निचोड़ हम लोग यहां पर देखेंगे स्टैटिक जीके के अंदर। अब देखिए सवाल एक और आपके सामने, अगर आप अभी मेरी बातों को ध्यान सुन रहे थे, ऐसा भी तो होता है ना, कि मैं यहां पर बात कर रहा हूं और कोई बच्चे सोच रहे हो कि सर ये नीला कलर हल्का हल्का देखने के लिए मिल रहा है ना, मैंने उसको भी देखा था नीले कपड़ों में, है ना, हल्का हल्का पीला पीला कलर भी वहां पर, पीले कलर की बिंदी लगी हुई थी, वाह वाह क्या बात है। कुछ लोग ऐसे दृश्यों में खो गए होंगे, है ना, कुछ लोग बहुत सारे गाने भी आते रहते हैं, मेरे सामने वाली खिड़की पर एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस यह है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है ना, तो उखड़ा है भाई उखड़े रहने दो, कोई नहीं, अपना एग्जाम क्लियर करो, फिर वो लोग भी आएंगे बधाई देने के लिए, अरे बधाई हो आपका सिलेक्शन हो गया, पोस्टिंग कहां पर है बेटा, हाँ हमारा ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह की बातों के लिए आप भी तैयार रहिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सभी बच्चे पूरा लिखेंगे, आंसर ए बी सी डी से काम नहीं चलेगा, पूरा लिखना है, कैसे पूरा लिखना है, स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी 2011 की, ठीक है, 7वीं। एक बच्चे ने लिखा है सर आप पहले थ्योरी करवाना बाद में प्रश्न, देखिए अगर सिर्फ पहले थ्योरी में करवा दूंगा बाद में प्रश्न
तब कई बच्चों को यह हो सकता है कि बीच बीच में भी बताते रहना पड़ सकता है कि सवाल किस प्रकार से आते हैं। और जो आपने बोला आखिरी में प्रश्न, आखिरी में कई सारे प्रश्नों को एक साथ हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन बीच बीच में भी प्रश्न बताना जरूरी है। कई बच्चे ऐसा होता है कि आज तक उन्होंने एग्जाम पेपर वगैरह नहीं देखा है, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी कि किस प्रकार से सवाल आते हैं परीक्षाओं पर, यह बताना है ना। क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे एग्जाम होते हैं हमारे प्यारे भारत देश पर, हर एग्जाम में सवाल पूछने का तरीका बदल जाता है और थ्योरी तो वही रहती है, तो तरीका भी हम लोग देखेंगे, थ्योरी भी हम लोग देखेंगे और यहां पर हम लोग सारी बातें करेंगे, ठीक है। चलिए, स्वतंत्रता के बाद सातवीं जनगणना, बिल्कुल बढ़िया। इस तरह मैंने लिखने के लिए क्यों बोला है, क्योंकि आप जितनी बार लिखते हो उतनी बार आपका रिवीजन होता है। वो आपने सुना भी होगा लाइन पंक्ति, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवर जात है सिल पर होत निशान। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतनी बार आपको चीजें बेहतर तरीके से याद होंगी। आपके सामने भी कोई बच्चा अगर वो चीज लिख रहा है तो वो भी आप पढ़ रहे हो, है ना, तो आपका उतनी ही अच्छे तरीके से रिवीजन हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बातों पर हम लोग समय व्यतीत नहीं करेंगे। हम लोगों ने क्या बोला, सातवीं जनगणना किसके बाद, स्वतंत्रता के बाद। लेकिन अगर ओवरऑल पूछी जाती किस क्रमांक की, आप बोलते सर 15वीं, है ना, यह शुरुआत से कितनी 15वीं, ठीक है, बढ़िया। चलिए सर एग्जाम नहीं पास हो रहा है, राजपाई जी ने लिखा है, राजपाल जी ने लिखा है, देखिए हर चीज को समय लगता है ना, और जब लक्ष्य बड़ा हो तो उसको प्राप्त करने में समय और ज्यादा लगता है। जितना बड़ा लक्ष्य होगा समय उतना ही लगेगा और जीत भी उतनी ही शानदार होगी, है ना। चलिए, भारत की जनगणना 2011 का नारा कौन सा था, What was the slogan of Census of India 2011? अब बताइए यहां पर क्या बात है, Our future, our census, our India, our census, our future, our census, our population. अब बताइए, याद आया, मैंने आप सभी को बताया था, बहुत बढ़िया। हर्ष ने लिखा है सी होगा, ठीक है सी मान लेते हैं। और भी राजपाल जी ने लिखा है सी होगा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, एकता ने लिखा है, बहुत बढ़िया। केजीएस यूजर ने भी सी लिखा है, प्रियंका, जय, अंतिमा, निशा, स्मार्ट बन्ना, सोनू, श्याम, शिवनाथ, आरजू, ज्ञानेंद्र, कविता, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया आप सभी बच्चों ने। राम केश ने भी बहुत बढ़िया उत्तर लिखा है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आप देखिए ये आया हुआ सवाल है परीक्षा पर, मैं अपने हिसाब से नहीं सवाल बनाया हूं, आए हुए सवाल हैं। अब देखिए आवर फ्यूचर आवर सेंसेस, मैंने बोला था ना आगे का पीछे, पीछे का आगे नहीं होना चाहिए, ओ सी ओ एफ ही होना चाहिए। ओ एफ ओ सी अगर आप कर देते, आवर फ्यूचर आवर सेंसेस कर देते तो गलत हो जाता है ना। तो बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने देखा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बढ़िया तरीके से। आइए नेक्स्ट, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी, यह भी आया हुआ सवाल है। अब देखिए किसी भी परीक्षा पर आया हुआ सवाल है, हमें अब एग्जाम ईयर से मतलब नहीं है, हमें तो बस इतना पता है कि आया हुआ सवाल है। अब देखिए मान लीजिए आप एमपी का कोई एग्जाम देकर आए हो, है ना, अब आप राजस्थान एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो क्या करेगा एग्जामिनर, वो थोड़े से क्वेश्चन एमपी वाले उठाएगा, थोड़े से ओडिशा वाले उठाएगा। नया क्वेश्चन बनाने में कोई मेहनत करता है क्या, नए क्वेश्चन लाएं कहां से, अकबर जी दोबारा से आके लड़ाई थोड़ी करेंगे, नहीं क्या, अब हम दोबारा से पृथ्वी को घुमा फिरा के बनाएंगे ताकि हम दोबारा से जियोग्राफी बना सकें, जी नहीं, थ्योरी वही है तो सवाल भी उसी प्रकार के आएंगे। कुछ कुछ सवाल आपको नए मिलते रहेंगे, एक दूसरी परीक्षाओं से सवाल उठा लिए जाते हैं और इसीलिए PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी, सवाल यहां पर यह है, तो पहले थ्योरी की बात करते हैं। आइए आप
को कुछ लोगों से मैं परिचित करवाता हूं। उम्मीद है कि इतिहास में भी आप लोगों ने इनका नाम जरूर सुना होगा। तस्वीरों से भले आपने मुलाकात नहीं की होगी इतिहास में, लेकिन आपके सिरमसर हैं तो आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। अब आपने एक दबंग मूवी पर एक डायलॉग सुना होगा, भैया जी स्माइल, है ना? तो इनको बोलने की जरूरत है, भैया जी स्माइल। देखिए कितने उदास लग रहे हैं, है ना? इनका भी लगता है वो जो सामने वाली खिड़की है उसका दरवाजा बहुत दिनों से नहीं खुला है, कितने ज्यादा उदास लग रहे हैं। अरे भाई मुस्कुराइए, आप राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं, है ना? राजस्थान की परीक्षाओं के लिए स्टैटिक जी के पढ़ रहे हैं, थोड़ा मुस्कुराइए। नहीं मुस्कुरा रहे हैं, चलो इनको हम लोग अपनी तरफ से थोड़ा सा स्माइल करवा देते हैं। देखो लग रहे हैं ना स्माइल कर रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, मान लो आपने भी बहुत मैथ पढ़ी होगी, मैथ में तो होता ही है, लेट्स अज्यूम, है ना, लेट्स सपोज, तो मान लेते हैं हम यहां पर कि ये मुस्कुरा रहे हैं। किस बात में मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि आप बोलोगे सर इन्होंने भारत की पहली जनगणना करवा दी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। सर ये बात बताइए, एक बच्चे ने कहा सर चांद रूठ गया होगा, बिल्कुल मेरे सामने वाली खिड़की पर एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस यह है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। देखो चांद रूठ गया तो ये मुस्कुरा रहे हैं, अरे भैया दूसरा चांद आ जाएगा, एक बार एग्जाम तो निकाल लो। जगह जगह के चांद आएंगे, और जैसे आज की तारीख की अगर बात करते हैं तो तारीख कौन सी है, 8 अप्रैल है, और आपको पता ही है आज क्या है, आज सोमवती अमावस्या भी है, और अमावस्या के दिन क्या होता है, आप बोलते हो सर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भी होता है, है ना? और ये सूर्य ग्रहण भी बहुत बड़ा है ना, 50 साल के बाद लगभग इतना बड़ा सूर्य ग्रहण होने जा रहा है, ठीक है? सूर्य ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं, है ना? तो इनको कोई बताओ चंद्रमा यही है, बस एक बार एग्जाम निकाल लो। अभी तुमसे उखड़ा इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने एग्जाम नहीं निकाला हुआ है, पैसे नहीं कमा रहे हो, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो, है ना? इसलिए अभी चांद रूठा हुआ है, जल्दी से सिलेक्शन ले लीजिए। आपके मम्मी पापा को भी आपको आपके ऊपर बहुत ही गर्व होगा, आप जिस स्थान पर रह रहे हो उस स्थान को भी आपके नाम से जाना जाने लगेगा कि ये देखिए अरे यहीं का हमारे पड़ोस का एक लल्ला रहता था, पढ़ने में बड़ा ही पहले कमजोर था, लेकिन हमें पता था कि एग्जाम ये जरूर निकालेगा, हमें इसके चेहरे से दिखता था। हाँ भैया आप ही तो भविष्यवाणी करते हो, चलिए कोई दिक्कत नहीं, रिश्तेदारों की बात है, पड़ोसियों की बात है, चलता रहता है। हम लोगों ने यहां क्या बात की, ये भाई साहब मुस्कुरा रहे थे, कुछ ज्यादा ही मन मन में मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि पहली जनगणना इन्होंने करवा दी। इसके बाद भारत की पहली नियमित जनगणना, आधिकारिक जनगणना। सर नियमित आधिकारिक क्यों, ये वाली जनगणना एक ट्रायल था, ट्रायल बॉल होती है ना, प्रैक्टिस मैच, ये प्रैक्टिस मैच था, पायलट प्रोजेक्ट। फिर इसमें जितनी रियासतें वगैरह छूट गई थी तो कुछ रियासतें इसमें भी छूटी, लेकिन यहां से एक चीज फिक्स कर दी गई कि अब हर 10 साल में जनसंख्या होगी, और इसी कारण आप याद करिए आप दशकीय वृद्धि दर पढ़ते हो, दशकीय वृद्धि दर पढ़ते हो, डेकेडल ग्रोथ रेट पढ़ते हो, है ना? क्या आपने पंचवर्षीय वृद्धि पढ़ी है, वो तो आपने CISI पढ़ी होगी, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज वाले चैप्टर में पढ़ी होगी, जनसंख्या वाले चैप्टर में नहीं, इकोनॉमिक्स में आपने 5-year plan जरूर पढ़ा होगा, है ना? लेकिन यहां पर आप दशकीय वृद्धि पढ़ोगे, क्योंकि जनगणना हर 10 साल में होती है, ऐसा निर्धारित किया गया था 1881 के बाद से ही। तो 1872 वाली जनगणना इनके समय में लॉर्ड मेयो, और ये दाढ़ी वाले बाबा लॉर्ड रिपन, इनके शासनकाल में पहली नियमित या आधिकारिक जनगणना शुरू हुई थी, ठीक है? अब सर ये बता दीजिए, मुझे बड़ा ही ज्यादा कंफ्यूजन है कि ठीक है जनगणना होती क्यों है, जनगणना होती है अच्छी बात है, लेकिन होती क्यों है, क्यों इतना जरूरी होता है जनगणना करवाना? अब मानिए
आप जब छोटे बच्चे थे, जब बड़ी शरारत करते थे, आपका हुआ बर्थडे, आपने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मेरा दोस्त आएगा, उसके बाद आप अपना फोन को एरोप्लेन मोड पर डालकर घूमने चले गए। अब मम्मी ने सोचा दोस्त आएगा, बस इतना बोल के गया है लल्ला, तो कितना दोस्त आएगा अब मुझे पता नहीं है, फोन लगा लेती हूं, फोन आपका बंद बताया। तो मम्मी ने अपने हिसाब से बोला कि 3-4 दोस्तों का नाम लेता है, चलो मैं 10 दोस्तों के लिए पिज्जा मंगा लेती हूं। अब मम्मी ने पिज्जा तो मंगाए 10, लेकिन दोस्त आ गए आपके क्लास के पूरे आ गए, कितने 50 बच्चे आ गए। अब मम्मी ने क्या किया, मम्मी थोड़ा समझदार रहती ही है सबकी, है ना, तो मम्मी ने उस पिज्जा के स्लाइस को बराबर डिवाइड कर दिया, तो खाना पीना तो सबको हो गया। लेकिन इन दोस्तों के जाने के बाद आपकी जो सुताई हुई है फ्लाइंग चप्पल से, बर्थडे के दिन आपका स्वैग से स्वागत हो गया, ठीक है। ये तो फर्स्ट कंडीशन हुई, जब खाना कम है खाने वाले ज्यादा। दूसरी कंडीशन क्या, आप अब बड़े बच्चे हो गए, अब आप बड़ी शरारत करते हो, है ना। तो जब आप बड़े बच्चे हो गए, तब अब आपने बोला मम्मी तैयार रहना मेरा दोस्त आएगा, बस आपने इस बार भी इतना बोला, आपको मार पीट आई, भूल गई आपकी, आप फिर से एरोप्लेन मोड पर डाल के अपने फोन को चले गए घूमने। अब मम्मी ने फिर से आपको फोन लगाया कि कितने बच्चे आएंगे, अब आपका फोन दोबारा से स्विच ऑफ। अब मम्मी ने फिर से 50 बच्चों के लिए यहां पर प्रबंध कर लिया, पिछली बार 50 बच्चे आए थे, है ना, लेकिन इस बार आप सिर्फ अपने एक दोस्त को लेकर गए, समझ रहे हो ना किसको, वही सामने वाली खिड़की पर जो चांद का टुकड़ा रहता है, सिर्फ एक दोस्त को लेकर गए। अब मम्मी ने उनके सामने तो कुछ नहीं बोला कि चलो किसी और के सामने मारना पीटना अच्छी बात नहीं, लेकिन 49 लोगों का खाना बेकार गया। अब उनके जाने के बाद फिर से आपको बर्थडे गिफ्ट मिला, है ना, फ्लाइंग चप्पल या गरम गरम बेलन, चिमटा, कुछ भी हो सकता है, वो आपकी मम्मी की इच्छा पर डिपेंड करता है, है ना। मैं यहां पर क्या बोलने वाला हूं, अब आप मेरी बातों को, जितना भी मैंने मजाक किया है, अब उसको सीरियस कंटेक्स्ट में समझिएगा। मान लीजिए कोई योजना सरकार ले आ रही है और वो योजना महिलाओं के लिए है, लेकिन अगर सरकार को यही नहीं पता है कि भारत में महिलाओं की संख्या कितनी है, तो यही स्थिति होगी, कभी हम पैसा बहुत कम एलोकेट करेंगे, ज्यादा लोगों के लिए है तो सभी को योजना मिल नहीं पाएगी, कभी हम लोग बहुत ही ज्यादा योजना के लिए धन एलोकेट कर लेंगे, लेकिन वो धन बहुत ही ज्यादा बर्बाद जाएगा, क्यों, क्योंकि जनसंख्या बहुत कम है। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए हो गया, एससी एसटी के लिए हो गया, इसी प्रकार से ओबीसी वर्ग के लिए हो गया, गांव में रहने वालों के लिए हो गया, है ना। आप देखते हो अलग अलग कैटेगरीज पर अलग अलग प्रकार से जनगणनाएं की जाती हैं, इसका यही उद्देश्य है, ताकि हमें पता रहे कहां कौन किस उम्र का कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति रहता है, ताकि उसके हिसाब से कोई भी योजना प्लानिंग आदि की जा सके, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक्स प्लेस है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही रहते हैं, महिलाओं की जनसंख्या बहुत कम है, और ऐसी जगह पर हम लोगों ने बहुत ही बड़ी महिलाओं की स्कीम ले आ दी, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यहां पर महिलाएं हैं ही नहीं फायदा लेने के लिए, है ना। तो इसीलिए जनसंख्या काफी महत्वपूर्ण रहती है कि लाभार्थियों की संख्या और उस हिसाब से एलोकेशन आदि पता किया जा सके, ठीक है, क्लियर। कितने सालों में होती है जनसंख्या, 10 साल में होती है। जनसंख्या कराने का दायित्व किसका होता है, आप बोलते हो संघ सूची का होता है। आपको पता है हमारे संविधान में सूचियां शेड्यूल कितनी, 12 अनुसूची, 12 शेड्यूल, 12 शेड्यूल में आपको याद होगा सातवीं अनुसूची, 7 शेड्यूल, 7 शेड्यूल में 3 चीजों के बारे में लिखा हुआ है, क्या क्या, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, ये आउट, आउट नहीं, ये तो 6 है, लेकिन एक हाथ नीचे कर रख दिया तो आउट है ना। तो एक हो गई संघ सूची, एक हो गई राज्य सूची, और संघ सूची में कानून कौन बनाएगा, आप बोलेंगे केंद्र सरकार, राज्य सूची में कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार,
और एक हो गई समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएगा? दोनों सरकारें, ठीक है। तो जो जनगणना करने का कार्य है वो संघ सूची का अर्थात यूनियन का कार्य है, लेकिन फैमिली प्लानिंग मतलब बच्चे दो हो, हॉस्पिटल सर्विसेज, ये सारा जो कर्तव्य है यह परिवार नियोजन कहलाता है और यह समवर्ती सूची का है, मतलब कॉन्क्रीट लिस्ट का है, मतलब इस पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, राज्य भी केंद्र भी। अब बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा। भारत में पहली जनगणना कब हुई? द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वॉज हेल्ड इन विच ईयर, आया हुआ सवाल है। दीपक जी भी आ चुके हैं हमारे साथ, नमस्ते सर जी बोल रहे हैं, नमस्ते नमस्ते दीपक जी, काफी लेट हो आप। अब अगले दिन से आप सभी अलार्म लगा लेंगे, 3:30 पर शिवम सर की क्लास है ना, एक शिवम सर की क्लास 3:30 पर, ये स्टैटिक जीके की। और इसके अलावा आप सभी को पता है कि स्टैटिक जीके जो है वो करंट अफेयर के साथ साथ चलता है, तो करंट अफेयर भी तो पढ़ना जरूरी है ना। तो करंट अफेयर के लिए आप मेरे साथ ही जुड़ सकते हो, लेकिन कहां पर? एसएससी खान ग्लोबल स्टडीज के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो यहां पर सुबह 8:00 मॉर्निंग एट 8 AM हम लोग करंट अफेयर भी देखते हैं, रोज देखते हैं, रोज के बाद साप्ताहिक भी देखते हैं, साप्ताहिक के बाद मासिक भी देखते हैं, मतलब कोई एक भी चीज आपके एग्जाम से बाहर जाने का कोई चांस नहीं। इस प्रश्न का उत्तर क्या? 1872। सर यह तो कितना आसान है, अगर यहां पर विकल्प 1881 भी होता तब हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन हम लोग तो पढ़ लिए हैं पहले से भी, तो ये कंफ्यूजन भी नहीं होता। चलो कंफ्यूजन बाय बाय, गुड नाइट कंफ्यूजन, आप बाहर जाओ। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष में आयोजित होती है? द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज कंडक्टेड इन विच ईयर? 1956, 1953, 1951, 1948। उत्तर क्या होगा इस सवाल का? जल्दी सभी बच्चे फिर से बताएंगे क्या होने वाला है इस सवाल का उत्तर। एकता जी ने बहुत बढ़िया से पूरी पंक्ति लिखी है, भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ये देखिए उदास वाले भैया कहां गए, ये देखिए ये उदास वाले भैया, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, राइट। नेक्स्ट, इस प्रश्न का उत्तर क्या? बहुत बढ़िया, मयंक केजीएस यूजर बोल रहे हैं, एकता ने फिर से पूरी पंक्ति लिखी है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1856 में। जिन जिन बच्चों ने 1856 बोला है बहुत ही बहुत गलत बोला है। 1856 कैसे हो गया? अब आप देखो, मैंने आपको अभी बताया कि पहली जनगणना होती है भारत की 1872 में, यह फर्स्ट हुई। फिर इसके बाद हमने बोला दूसरी जनगणना या फर्स्ट रेगुलर या आधिकारिक या नियमित जनगणना होती है 1881 में। इसका मतलब क्या? हर 10 साल में अब होने लगी, मतलब अब 1891 में होगी, फिर उसके बाद 1901 में होगी, फिर इसके बाद 1911 में होगी, और अभी वाली 2001 में मान लो, फिर उसके बाद 2011 में मान लो, और अब 2021 वाली जनगणना आएगी। कब आएगी ये अभी पता नहीं है, संसद में भी सवाल पूछे जा चुके हैं इसके बारे में, लेकिन आएगी जरूर। और अभी ये देखो, यहां पर से यहां यूनिट डिजिट में एक दिखा, यहां 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 एक दिखा, तो यहां 56 में एक कैसे दिख रहा है? नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब जितने बच्चों को गलत था सभी बच्चे उठक बैठक लगाएंगे अपने से, मैं देखने तो नहीं आ रहा हूं, लेकिन आप जब भी कोई चीज सही करें तो खुद को शाबाशी दें, है ना, इस प्रकार से होना है, शाबाश और अपना नाम लेना है। जब आप कोई गलती करें तो खुद से आप उठक बैठक लगा लें, खुद को ही सजा दीजिए, खुद को ही शाबाशी दीजिए, किसी और की शाबाशी का इंतजार मत करिए, है ना। आसपास के तो लोग रहते ही हैं, वो तारीफ आपकी जानबूझकर करते हैं ताकि आपको
हवा में चढ़ा सकें ताकि आपसे अपना मतलब निकलवा सकें। अरे तुम कितने अच्छे बेटा हो, मेरा ये काम नहीं करोगे, कर दो बेटा। अब बेटा क्या कर रहा है, बेटा अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने अंकल जी का रिचार्ज करवाने गया है ना। तो ऐसे मस्कों से भी दूर रहें, खुद से खुद को शाबाशी दें, खुद से खुद की तारीफ करें। आपको पता है कि आपने पढ़ाई नहीं करी है, फिर भी आपका दोस्त बोल रहा है अरे बहुत अच्छा तुम पढ़े, उसको तो लग ही रहा है कि आप ना पढ़ो, अगर आप पढ़ लोगे तो उससे आगे निकल जाओगे, है ना। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने लिख रहा है, एक बच्चे ने लिखा है खुद को थप्पड़ मार दिया सर। इतना भी खुद के ऊपर कठोर नहीं होना है कि आपकी मम्मी पापा मुझे बोले कि सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि बच्चे खुद को मार रहे हैं, थोड़ा सा आराम से, ठीक है। चलिए, एक बच्चे ने लिखा है स्मार्ट बनना मैं तो बच गया, वाह क्या बात है। इसी प्रकार से सही करते रहिए। आइए देखिए, अब यहां पर एक बच्चे ने लिखा है सर मैं तो लाइब्रेरी में हूं, बहुत बढ़िया है। कोई नहीं, आप काउंट करते रहिए कितने सवाल गलत हुए हैं, फिर घर में आकर आप अपनी सजा पूरी करिएगा। अब यहां देखिए, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राजस्थान के बारे में तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, राजस्थान जनसंख्या के मामले में किसी स्थान पर, आप बोलेंगे सर लगभग 6.854 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, जनसंख्या थी 2011 में, हम लोग 2011 की ही बात कर रहे हैं, राइट। तो लगभग 6.86 करोड़ के आसपास जनसंख्या राजस्थान की थी, लेकिन अभी हम राजस्थान के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप बोलिएगा सर भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहां की है, यह हमें बताना है। सर एक बार पहले पूरा टॉपिक पढ़ा दीजिए, पहले पूरी थ्योरी पढ़ा दीजिए जनसंख्या वाली, फिर हम लोग आंसर देंगे, ठीक है। चलिए आइए, जनसंख्या, अभी यूएन की एक रिपोर्ट आई थी 2023 के आसपास आई थी, जुलाई 2023 के आसपास, और इस रिपोर्ट में बोला गया था कि भारत जनसंख्या के मामले पर पहले स्थान पर आ गया है, दूसरे स्थान पर चीन हो गया है, लेकिन अभी हम लोग ये उत्तर नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि भारत सरकार की अभी आधिकारिक जनगणना नहीं हुई है, अभी आधिकारिक रूप से भारत ने नहीं बोला है कि हम चीन को पीछे छोड़ दिए हैं, किस चीज में, जनसंख्या के मामले पर। लेकिन अगर ऐसा आए कि यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से भारत जनसंख्या में किस मामले पर है, किस स्थान पर है, आप बोलिएगा फर्स्ट। लेकिन ये अच्छी बात में फर्स्ट नहीं है, जनसंख्या बहुत ही ज्यादा चीजों की एक कारण होता है, चाहे आप बेरोजगारी देख लें, चाहे आप कुपोषण देख लें, इन सब का एक बहुत ही बड़ा कारण है इतनी बड़ी जनसंख्या होना, है ना। चलिए इसके बारे में कभी और बात की जाएगी, अभी आप इधर देखिए कितनी थी 2011 की जनगणना के हिसाब से, 121 करोड़। सीधे आप ऐसे भी कर सकते हो, 11 की जनगणना की बात की जा रही है, 11 का स्क्वायर कर दिया, कितना आया 121 आया, कितना आया 121 आया, 121 करोड़ लोग ही हुआ करते थे 2011 के समय की बात हम कर रहे हैं, है ना। इस बैच में राजस्थान जीके के नोट्स की पीडीएफ देंगे या खुद बनाने होंगे, राजस्थान जीके की पीडीएफ राजस्थान वाले प्लेलिस्ट पर आपको मिलेगी। देखिए जो भी क्लास है, मान लीजिए क्लास इस प्रकार से चल रही है, यहां पर आपने वीडियो देखा, यहां पर वीडियो चल रहा है, यहां पर टाइटल, यहां पर आपको पीडीएफ का आइकन मिलेगा क्लास खत्म होने के बाद, इस पर क्लिक करिएगा, पीडीएफ आपके सामने आ जाएगी। कोई भी क्लास है, जो भी यहां पर क्लास में पढ़ाया जाएगा, आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, परेशान बिल्कुल नहीं होना है मुकेश जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहां हमने किसकी बात की, यहां हमने बात की कुल जनसंख्या 121 करोड़, सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर, बुल्डोजर बाबा वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश, न्यूनतम जनसंख्या कहां पर। देखिए ऐसा होता है ना, हम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे आ गए तो सब लोग हमारे पास खींचे चले आएंगे, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये देखिए उसी प्रकार से सिक्किम को भी लगा कि इसके पास अगर बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो इसके पास सभी लोग खींचे चले आएंगे,
इसीलिए इसने अपना नाम सिक्किम नाम पर रख लिया। सिक्का, सिक्का होता है ना कॉइन, कॉइन पैसा। इसने सोचा कि मैं अपना नाम पैसे के नाम पर रख लेता हूं, सिक्किम रख लेता हूं, तो हर इंसान मेरे यहां आ जाएगा। लेकिन ये भाई साहब अकेले पड़ गए। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला स्थान सिक्किम, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला स्थान सिक्किम है ना। आपने वो चीज सुनी होगी, जिंदगी में हर चीज पैसा थोड़ी होता है ना। इस दुनिया में ऐसा थोड़ी होता है, जिंदगी में हर चीज पैसा थोड़ी होता है। तो ये देखिए, सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला स्थान, दूसरे नंबर पर मिजोरम और तीसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। कुल मिलाकर ये नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर भारत वाले राज्य हैं जहां पर जनसंख्या सबसे कम है। सर्वाधिक जनसंख्या पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, बिहार, फिर वेस्ट बंगाल। क्या क्या है एक बार मैं यहां पर लिखता हूं। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, बुलडोजर बाबा वाला प्रदेश है ना। यहां के मुख्यमंत्री का नाम बाबा योगी आदित्यनाथ, और इनके नाम से एक बुक भी आई थी, शांतनु गुप्ता जी ने जो लिखी थी। नाम क्या था बुक का? अजय टू योगी आदित्यनाथ, कैसे एक सामान्य सा बच्चा जिसका नाम था अजय इस कठोर जीवन के संघर्ष को लड़ता है, लड़ता है और लड़ता है और उस संघर्ष से ऊपर उठता है, ये सारी समस्याओं से ऊपर उठता है और इस दुनिया पर अपना नाम बनाता है। क्योंकि आपको भी पता है, ऊपर वाले ने तो हर एक इंसान को खास बनाया है, लेकिन दुनिया उसको खास तभी समझेगी जब कोई वो खास कार्य करेगा। और ऐसा ही खास कार्य किया यहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने, और अब उन्हें बच्चा बच्चा योगी आदित्यनाथ जी के नाम से जानता है। योगी आदित्यनाथ जी भारत के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सभी मुख्यमंत्रियों में से सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हो जाते हैं ट्विटर के हिसाब से। सर्वाधिक फॉलोअर मुख्यमंत्रियों में उन्हीं के हैं, ठीक है। और यहां पर आप बोलते हो दूसरे नंबर पर कौन सा, आप बोलेंगे महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर बिहार, सबका प्यारा बिहार। और चौथे नंबर पर आप बोलोगे, हो जाएंगे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बाबा योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम श्री एकनाथ शिंदे, बिहार के मुख्यमंत्री, अरे भैया रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है, 9वीं बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लिए हैं, है ना, कौन, नीतीश कुमार जी, ठीक। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। सर आप बिहार से हो? जी नहीं, मैं मध्य प्रदेश से हूं, है ना। दिल्ली, दिल्ली की अगर बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पर सर्वाधिक जनसंख्या है, सबसे कम जनसंख्या। देखिए आपको दुनिया में बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। लक्ष्य को प्राप्त करने वाले सबसे कम और लक्षद्वीप में रहने वाले सबसे कम यूनियन टेरिटरी के हिसाब से, है ना। उत्तर प्रदेश में लगभग 20 करोड़ के आसपास थे उस समय, 19.9 करोड़ के आसपास, कुल मिलाकर 20 करोड़, आप याद रख लीजिए। आपके राजस्थान में, है ना, हमारे प्यारे राजस्थान में कितने लोग थे, आप बोलेंगे 6.854, कुल मिलाकर आप याद रखेंगे 6.86 करोड़ लोग के आसपास हमारे राजस्थान में थे 2011 के हिसाब से, ठीक। आगे बढ़ें, इस सवाल का उत्तर क्या है कौन बताएगा? अभिषेक, मयंक, दीपक, मयंक जी ने लिखा है आई एम फ्रॉम नागपुर। वाह, नागपुर से हैं, नागपुर से तो नितिन गडकरी साहब भी हैं जो कि हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं वर्तमान में, और नागपुर के संतरे भी बड़े अच्छे हैं, है ना। किसी को अगर संतरे वगैरह खाने हो तो मयंक जी से संपर्क करिएगा, मयंक जी आपके यहाँ ताजे ताजे बड़े यहां से संतरे भेजेंगे, ठीक है। सोनू, श्याम, स्मृति, दीपक, सीमा, KGS यूजर, उत्तर प्रदेश, सभी बच्चों ने लिखा है जबरदस्त। सुनील, श्याम, एकता ने फिर से पूरी पंक्ति लिखी है, बहुत बढ़िया एकता, शानदार, वेरी गुड। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर मैं राजस्थान नागौर से हूं। अच्छा, नागौर से हैं, मुझे लगा कि नागपुर से हैं, ठीक है, चलिए कोई नहीं, माफी चाहूंगा, मैंने शायद थोड़ा गलत पढ़ लिया, कोई नहीं, नागौर से भी है तो बहुत बढ़िया बात है। राज करेगा राजस्थान, कब राज करेगा? कल राज करेगा। कलराज मिश्रा जी कौन है, कौन बताएगा? कलराज मिश्रा कौन है, कौन बताएगा?
आज नहीं कल राज करेगा राजस्थान, कल राज मिश्रा, ठीक है। और इस प्रश्न का उत्तर आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश हो जाता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की उत्तर प्रदेश के बाद जनसंख्या दूसरे स्थान पर है। देखिए पहला वाला तो सबको याद रहता है, दूसरा वाला बताओ तो जाने। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 विच इंडियन स्टेट है सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलर स्टेट आफ्टर उत्तर प्रदेश। बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर क्या होगा? बहुत बढ़िया, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, एक बच्चे ने लिखा है अभिषेक जी जोधपुर से हैं, क्या बात है। अनामिका जी कोटा से हैं, वाह। एक बच्चे ने लिखा है मध्य प्रदेश, अरे नहीं इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए श्याम जी ने लिखा है सर मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूं, एसएससी जीडी के बैच में आपसे पढ़ा हुआ हूं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद श्याम जी। बस इसी तरह पढ़ते रहिए, जल्दी से जल्दी हमें सिलेक्शन लेना है, क्योंकि आपको भी पता है अब आपके माता पिता जो है आपके नाम से ही जाने जाएंगे। मान लीजिए आपके माता पिता के पास बहुत पैसा है, बहुत जमीन है, बहुत जायदाद है, फिर भी अगर आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो क्या बोलेंगे उनको, खुद तो इतना सारा चीजें कमाए हैं लेकिन अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाए, जैसा आपने थ्री इडियट्स वाली मूवी पर भी देखा होगा। अगर आपके माता पिता कुछ नहीं करते हैं, है ना, कई सारे आपने मोटिवेशन स्टोरीज देखी होंगी कि ऑटो चालक का लड़का, रिक्शा चालक का लड़का कलेक्टर बन गया, कोई कहीं पर अधिकारी बन गया, तो वहां पर आपने देखा होगा कि एक बच्चे के नाम से उसके माता पिता जाने जाते हैं। और भरोसा मानिए एक माता पिता के लिए इससे ज्यादा गर्व की बात और कोई नहीं कि उनको उनके बच्चे के नाम से जाना जाए। जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं कि सरस्वती सम्मान के पहले विजेता हरिवंश राय बच्चन थे, और हरिवंश राय बच्चन के नाम के आगे हम लोग जोड़ते हैं कि इनके पुत्र का नाम अमिताभ बच्चन था। तो सोचिए हरिवंश राय बच्चन जी जहां से भी सुन रहे होंगे उनको कितना गर्व अनुभव हो रहा होगा कि मेरे बच्चे का नाम, अमिताभ बच्चन का नाम पूरी दुनिया जानती है, है ना। तो आप लोग भी कुछ ऐसा काम कर लिए, लगातार बस पढ़ते रहिए, जब भी हताश हो, निराश हो, मेहनत करने का मन ना पड़े, तब अपने माता पिता को देख लीजिएगा कि कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए। बस एक ही उनका सपना है, आप उनके लिए कुछ मत करिए, आप इतने सक्षम हो जाइए कि खुद की जिम्मेदारी उठा सकिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का उत्तर क्या, भारत की आधी जनसंख्या सिर्फ 5 राज्यों में निवास करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में से एक है। तो टॉप 4 स्टेट के बारे में हमने बात करी थी, कितने टॉप 4, कौन कौन सा, आपने बोला यूपी, आपने बोला महाराष्ट्र, आपने बोला बिहार, आपने बोला वेस्ट बंगाल। यहां पर कौन सा दिख रहा है इन चारों पर, आपने बोला सर यहां पर वेस्ट बंगाल दिख रहा है, बाकी 4 है क्या टॉप 4 पर, जी नहीं, तो आप बोलिएगा सर यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, राइट। चलिए ये सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है, व्हाट इज द लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर द सेंसस ऑफ 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता कितनी थी। तो चलिए इसके बारे में कल बातें करेंगे, लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन बच्चा बताएगा मुझे, विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, है ना, ये सी, ये वाला सी नहीं है, सी मतलब देखना, ये वाला सी नहीं है, सी मतलब सागर, है ना, ये विटामिन सी, सी फॉर कैट वाला सी है, बहुत बढ़िया। श्याम, अनामिका, मयंक, एकता, सभी बच्चों ने लिखा है इस कर वी, है ना, किसकी बात हम कर रहे हैं, साक्षरता की बात कर रहे हैं, है ना। तो आप बोलोगे सा से हो गया, किसकी बात हमने करी, साक्षरता की बात करी, का से केरल, केरल हो गया मैक्सिमम साक्षरता वाला, और बिहार, बिहार हो गया न्यूनतम मिनिमम साक्षरता वाला, तो ये बात हो गई साक्षरता
साक्षरता की बात हुई, मैक्सिमम केरल है, मिनिमम बिहार है। तो ये इस प्रकार से हम लोग चीजें पढ़ेंगे और इसका उत्तर भी अब हम लोग कल की क्लास में देखेंगे और बहुत मजेदार तरीके से हम लोग सारी बातें करेंगे। तो अब हमारी मुलाकात होगी अगली क्लास में। अगली क्लास का अलार्म सभी बच्चे लगा लेंगे अब, है ना। 3:30 पर मुलाकात होगी आपकी शिवम सर के साथ। और इसके अलावा मुलाकात होगी सुबह 8 बजे करंट अफेयर के सेशन पर। कौन से चैनल पर? SSC खान ग्लोबल स्टडीज। ये 3 अक्षर आपको लिखने हैं, SSC और 3 अक्षर KGS। आपको सीधा एक चैनल मिलेगा, वहां पर सुबह 8 बजे आपके शिवम सर के साथ आपकी होगी मुलाकात करंट अफेयर के सेशन पर। तो स्वस्थ रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, मम्मी पापा की बात माननी है और देश के लिए जो कुछ भी हो सके बढ़िया भला वो करने की लगातार कोशिश करते रहनी है। जय हिंद, जय भारत।